जय हिंद। कैसे हो भाई? हो यार, मस्त रहो यार, खुश रहो। ठीक है, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, सबको तू सलाम कर प्यारे। ठीक है, ये दुनिया की रीत है यार, क्या करें। तो भाइयों यार, मैंने भी एक एपिसोड डाला था ना, मेरे फैन वाला, मेरे जो बेस्ट चाहने वाले बंदे थे, उसको ये अंग्रेजी में फैन ही तो बोलते हैं। मेरी अंग्रेजी ऐसी है यार, टूटी फूटी बोल लेता हूँ थोड़ी मोड़ी, है ना। तो मैंने जो अभी वीडियो डाली थी, मेरे चाहने वाले जो बंदे थे खास, मुझे कमेंट्स करते थे वो, कि बोलते थे सर मेरा एपिसोड में नाम लेना, नाम लेना। मैंने ले लिया यार, मैं सोचा चलो उसका भी ले लेते, फिर जो मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर है उनका भी ले लेते। तो मैंने वीडियो तो डाल दिया था, मगर फिर मुझे काफ़ी सारे कॉल आने लग गए, सर आपने वीडियो डाल दिया, उसका नाम ले लिया, हमारा नहीं लिया। तो मैं बोला यार ये तो आफत ही होगी। तो मैं सोच रहा था कि फिर चलो यार एक एपिसोड ये भी बना लेते हैं, सबके नाम बोल दूंगा मैं, है ना। तो यार भाइयों, आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे को कमेंट्स करके नीचे भेज देना यार, जो जो चाहते हो कि मैं अपने चैनल में आप लोगों का नाम लूँ। ठीक है, जो भी आपका नाम है ना, नीचे कमेंट्स में लिख के भेज देना, मैं आज या कल एपिसोड बना करके फिर से डाल दूंगा दोबारा। ठीक है, दुखी नहीं रहना, खुश रहना है। तो मैं चाह रहा था यार मेरे सब्सक्राइबर कहीं ऐसा ना हो नाराज़ हो जाए, तो मैं आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खुश रखना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहता हूँ, आप लोग भी खुश रहना है। ठीक है, दूसरा यार, गलती तो इंसान से ही होती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ यार, कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। तो एक दो बंदे हैं यार कमेंट्स करते हैं कि सर आप टाइटल सही नहीं लिखते हो, उसमें गलत लिख देते हो, स्पेलिंग सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। एक दो ही बंदे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, उसको मैंने रिप्लाई भी दिया था कमेंट्स में, यार तुम आगे तो बढ़ लो, उसी में वो एक ही मैसेज को बार बार रिप्लाई दे रहे हैं। तो भाई यार आगे भी तो बढ़ ले, उसी में अटके हो यार आप। मैं यार देसी आदमी हूँ बिल्कुल, ठीक है, देसी बोलता हूँ, देसी खाता हूँ, सब मस्त रहता हूँ। ठीक है, टाइटल में लिखता हूँ ना, तो मैं गूगल फूगल पे सर्च नहीं करता हूँ, जो मेरे को आ रहा है मैं फटाफट लिख लुख के डाल देता हूँ। देखो समझना है को आना चाहिए, जो देख रहा है कि भाई क्या लिखा है। ठीक है यार, उसको समझ गया ना, अब उसमें स्पेलिंग क्या लिखा है, क्या लिखा है, इतना बारीकी से नहीं देखना है। अगले बंदे को समझ गया ना बस वो, अरे यार इतने पढ़े लिखे होते हम लोग तो यहाँ क्यों बैठते फिर। कहीं और जाके बैठते ना। तो अपने हिसाब से डालता हूँ यार, ठीक है, नाराज़ नहीं होना है, होता है कम ज़्यादा, आगे भी होगी गलती, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। मैं बोला ना कि मैं अपने हिसाब से लिख करके डालता हूँ, कोई ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, आगे भी होगी गलती, है होते रहेगी। और भाइयों यार, अपने डॉक्स वॉक्स पे बहुत ध्यान दो। ठीक है, अभी एक महाराष्ट्र का बंदा है शुभम जोशी, उसके डॉग को पार्वो वायरस हो गया था अभी, तो उसने रात को फ़ोन किया था कि सर 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 मैं गणेश गणेश भाई से बात करना चाहता हूँ, जो गणेश डॉग वर्ल्ड जो है ना, संचित भाई। तो बोला उनका नंबर दो मुझे। मैं बोला भाई ऐसे कैसे दे देंगे यार किसी का नंबर, है ना, आप मेरे को बताओ क्या हुआ। किसी का भी प्राइवेसी होता है यार, ऐसे नंबर किसी का देना अच्छा नहीं ना, सबको अप अपनी लाइफ जीते डिस्टर्ब होता है। ठीक है, वो बंदा बहुत बिजी रहता है, उनके पास काफ़ी सारे डॉग्स है, काफ़ी सारे वीडियोस वो डालते रहते हैं, वो बिजी रहते हैं। यहाँ भी मेरे साथ में आए थे, वो 3 दिन रहे तो काफ़ी बिजी थे, ऐसे नहीं है, यहाँ भी आते थे, वो आए थे तो काफ़ी सारे फ़ोन आते थे उनको। तो बुलाया उनका नंबर दो, मैं बोला भाई उनका नंबर तो मैं दे नहीं सकता। बोला यार क्या आदमी हो आप, मेरा डॉग बीमार है, मेरे को उनको फ़ोन लगाना है। मैंने लगाया उसमें व्हाट्सएप वाले लगाया था, तो उन्होंने अटेंड नहीं किया। तो मैंने समझाया उसको, मैं बोला पहले मेरे को प्रॉब्लम बता दो, आपके डॉग को क्या प्रॉब्लम। फिर उसने बताया कि सर पॉटी उल्टी सब कर रहा है, खा रहा है तो उल्टी कर देता है 2 दिन से। तो मैं बोला यार 2 दिन हो गए अभी कर रहे हो आप। और तो मैंने उसको बताया कि भाई ये देना है आपने, ठीक है, और जो भी तरीका है मैंने बता दिया अपने हिसाब से। ठीक है, मैं इसमें बोलूँगा नहीं, बोलूँगा
फिर और कमेंट्स आ जाएंगे, यार आपने तो ऐसे बोल दिया तो ये तो गलत होता है। मैंने अपने हिसाब से जो भी बोलना था उसको बोल दिया। तो अभी यार उसका डॉग मस्त है, टनाटन है। फिर मैंने उसको दूसरे तीसरे दिन फ़ोन किया कि भाई यार आपका डॉग कैसे। बोला सर मेरा डॉग बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो गया था वो। तो चलो यार, मुझे लगा कि हाँ अभी इसका मतलब मुझे आ रहा है धीरे धीरे काम करना है। हाँ किसी के तो काम आया यार, मैं चलो अच्छा है। तो फिर मैंने उसको बोला यार आपने तो मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। बोला सॉरी सर मैं अपने इसमें रह गया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बोला नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है डॉग्स पे, ठीक है। उसने थोड़ा सा खाने के लिए भी, एक तो पायरबो वायरस का चल रहा है बीमारी, वो खाने के लिए भी उसने थोड़ा इसी टाइप दे दिया था कि उसको फिर उसी से और ज़्यादा हो गया उसका। मैंने बता दिया तो ठीक हो गया, बस्त हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही यार आप लोग भी थोड़ा सा डॉग पे ध्यान देना है, ठीक है। और कहीं से भी लेना है, फ्रॉड से बचना है यार भाइयों, आजकल बहुत फ्रॉड वाला काम चल रहा है। डॉग की कीमत देख के ही डॉग को पैसा देना है, ठीक है। कोई कोई बंदे यार पैसे दे देते हैं, खूब सारे उनके पास तो पैसे होते हैं वो दे देते हैं, मगर मिडिल क्लास वाला जो लेना चाहता है उसको बेचारे को प्रॉब्लम होती है, वो तो इतना पैसा नहीं दे सकता ना। तो इसलिए यार थोड़ा सा जो पैसे वाले बंदे हैं उनको भी बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोग समझ के दिया करो पैसा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर ये जो हो रहा है इसी के वजह से हो रहे हैं सारे फ्रॉड। तो बाकी यार आप लोग और भी कुछ चाहते हो कि मैं इस चीज़ का भी वीडियो डालूँ तो मुझे डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट्स में लिख के भेज दिया करो कि सर इसकी वीडियो डाल दिया करो, उसकी डाल दिया करो। मैं तो डाल देता हूँ, ऐसे कहीं भी मैं बना लेता हूँ यार वीडियो, है ना, जहाँ भी मौका मिलता है मैं बना लेता हूँ। मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ यार, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटी करके आता हूँ और फिर उसके बाद फिर अपना भी काम कर लेता हूँ मैं। मेरे घर पे अभी कोई है नहीं, सब गए छुट्टी मनाने घर, तो मैं अकेला ही हूँ यार, सब डॉग्स मेरे वहीं हैं घर पे, है ना। तो मैं भी यार अपनी लाइफ है मेरी, है ना। तो मैंने तो यार काफ़ी सारे साल अपने देश के लिए दे दिए, दे भी रहा हूँ। जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट ईयर में सोच रहा था कि अपनी ड्यूटी को मैं अब अलविदा कह दूँ, घर आ जाओ। घर आने के बाद फिर मैं इसी में लग जाऊँगा, आप लोगों की काफ़ी सारी सेवा करूँगा यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और अच्छे खासे कम पैसे में दूंगा मैं डॉग्स, टेंशन मत लो, फ्री हो जाओ, मस्त आराम से लो डॉग्स। अभी मैं एक से एक क्वालिटी मिलेगी यार मेरे पास, मुझे बहुत शौक है डॉग का, ठीक है। मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ, मैं पैसे की तरफ नहीं देखता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की, बस मस्त। अभी मैं लकी ड्रॉ भी डालने वाला हूँ कि लोगों को यार अच्छा लगे। लकी ड्रॉ डालने वाला मेरा एपिसोड देख लेना आपने संडे को, तो मज़ा आएगा आपको उसमें भी, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। अब ये नहीं क्या मेरे पास पैसा है तो मैं उड़ाता हूँ, ऐसे नहीं है। चाहता हूँ कि कोई अच्छे आदमी को मतलब सपोर्ट करो और इस तरह से कोई प्रोग्राम करो तो उसको बेचारे को अच्छा फायदा हो जाएगा उसका, कुछ ना कुछ अपना काम कर लेगा, है ना, मुझे भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहूँगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो चैनल खोला हो यार, तो ऐसे नहीं कि चैनल खोल के बैठ गया हो और अपने डॉग्स की डाल रहे हो, तो थोड़ा सा इस तरह से भी काम करना चाहिए, अपनी जेब भरने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मैं तो अभी नया हूँ यार, मेरा नया ही चैनल है, तो काफ़ी सारे डालते रहूँगा मैं ऐसे, टेंशन मत लो यार, हम आ गए हैं, ठीक है। तो और अच्छा है, अच्छा लगता है, सबको मज़ा भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते रही, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।